हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 3%। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था, वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। तो इसको जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 51%। देखिए, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार पवन हंस में प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ेगी। केंद्र सरकार ने बताया कि पवन हंस के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है तथा कंपनी पिछले 3 वित्त वर्ष से घाटे में चल रही है। पवन हंस में केंद्र और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। इसमें सरकार की 51% और ONGC के पास 49% हिस्सेदारी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका 51%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? ऑप्शन ए परमजीत सिंह, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन सी जीएस रेड्डी, ऑप्शन डी आरपी कलिता। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। उन्होंने जो है 1 मई 2022 से इस पद का कार्यभार संभाला। वो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में के पूर्व छात्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को COVID-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी इरडा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को COVID-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। COVID-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में माना गया है। रिपोर्ट का विषय रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट है, जो कोविड से मजबूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन डी रॉबिन उथप्पा। देखिए, चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम की कमान संभाल लिए हैं। जडेजा ने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी। इस सीजन में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से शानदार जीत भी दर्ज की। इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है आपका, भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। ऑप्शन बी है आपका, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ऑप्शन सी, दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है। ऑप्शन डी, दोनों देशों ने $75 बिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को संपन्न किया है। देखिए, 28 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष को हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया है और संबंधों को नई उभरती वैश्विक व्यवस्था में और मजबूती देने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि भारत का अभी तक जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है, बल्कि भारत और जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रखा है, जो FTA से ठीक पहले का समझौता माना जाता है, क्योंकि इसमें आयात और निर्यात पर बड़े पैमाने पर प्रशुल्कों यानी टैरिफ या ड्यूटी को खत्म कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। चलिए, इसका ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, चुप नहीं बोला जा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मई 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन ए 100 वर्ष पूरे हो गए, ऑप्शन बी 150 वर्ष, ऑप्शन सी 200 वर्ष, ऑप्शन डी है आपका 250 वर्ष। देखिए, 1 मई 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1922 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत की विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में मूलतः 3 कॉलेज शामिल थे। इसमें आपका सेंट स्टीफन्स कॉलेज, जिसकी स्थापना वर्ष 1881 में कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली नामक एक मशीनरी द्वारा पहल द्वारा की गई थी। दूसरा आपका हिंदू कॉलेज, जिसे वर्ष 1899 में स्थापित किया गया था, और रामजस कॉलेज, जिसे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और परोपकारी राय केदारनाथ द्वारा 14 मई 1917 को स्थापित किया गया था। इससे पहले ये तीनों कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। वर्ष 1933 में पूर्ववर्ती वाइसरीगल लॉज, जहां 2 साल पहले गांधी इरविन संधि पर समझौता हस्ताक्षर किए गए थे, विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति का भाग बन गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 100 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत और कौन से देश के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 मई 2022 से सक्रिय हो गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी तुर्की। देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 मई 2022 से सक्रिय हो चुका है। भारत के 90% निर्यात को संयुक्त अरब अमीरात तक शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इस निर्यात में वस्तुएं, सेवाएं और डिजिटल व्यापार शामिल होंगे। यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता इस क्षेत्र में भारत का पहला और एक दशक में किसी भी देश के साथ पहला व्यापक व्यापार समझौता है। CEPA से लगभग $26 बिलियन मूल्य के भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है। इन उत्पादों पर वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 5% आयात शुल्क लगाया जाता है। UAE, अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक हालिया ऑडिट रिपोर्ट में कौन से राज्य के अवस्थित 2 रामसर स्थलों में अवैध निर्माण किए जाने और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक हालिया ऑडिट रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के अवस्थित 2 रामसर स्थलों, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवनों में अवैध निर्माण किए जाने और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन की ओर संकेत किया है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि बोलते हैं, तथा सुंदरवन क्षेत्रों के तटीय विनियमन क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए हैं। हालांकि इन परिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भी इस तरह के उल्लंघन करने पर शायद ही किसी को दंडित किया गया हो, और कुछ दुर्लभ अवसरों पर जब ये अवैध निर्माण कार्य किए गए हो, इन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बताया गया। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार नो डेवलपमेंट जोन में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा स्वावलंबी योजना नामक एक योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए हाल ही में कर्नाटक सरकार स्वावलंबी योजना नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए निजी भूस्वामियों को अब अपनी संपत्ति का भूमि स्केच बनाने का अधिकार होगा। यह योजना भूस्वामी को अपनी संपत्ति बेचने, निजी भूमि के उपखंड करने के लिए तत्काल पौड़ी प्राप्त करने, कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने में मदद करने हेतु पूर्व रूपांतरण स्केच और कानूनी रूप से भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बीच भूमि का विभाजन करने में सक्षम बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कर्नाटक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।